आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। जायसवाल में शिवबंधु सभा आगरा की नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम कमलानगर स्थित एक होटल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिम्मेदारी मिलने पर पदाधिकारियों ने पूरी तरह निभाने की शपथ ली। पदाधिकारियों का कहना है कि संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकारिणी का गठन किया गया है। जायसवाल वैश्यबंधु सभा आगरा की नवगठित कार्यकारिणी का शपथ समारोह कार्यक्रम कमलानगर स्थित एक होटल में आयोजित किया गया। पदाधिकारियों का कहना है कि जायसवाल वैश्यबंधु सभा को मजबूत करने के लिए कार्यकारिणी का गठन किया गया है। छोटे छोटे कार्यक्रम हर जगह पर हो रहे हैं, इसमें इनके मुख्य कार्य छोटे बच्चों को शिक्षा का कार्य, किताबों का कार्य, गरीबों की सहायता करना, समय समय पर छोटे छोटे प्रोग्राम करना, होली मिलन समारोह, 15 अगस्त 26 जनवरी का झंडा वंदन करना, ये सब कार्य हमारे आगरा समाज के लोग अपने समय समय पर करते रहे हैं और आगे भी ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। छोटे छोटे बच्चों को किताबें स्कूलों में बांटना, छोटे छोटे स्कूलों का निर्माण कराना, ये सब हमारे मुख्य कार्य हैं। कार्यकारिणी का गठन होने के बाद पदाधिकारियों को लगन से कार्य करने की शपथ दिलाई गई। पदाधिकारियों का कहना था कि समाज कमजोर लोगों के बच्चों की शिक्षा इलाज कराने के लिए समय समय पर कैंप लगाकर मदद करती है। गठित की गई कार्यकारिणी में महिलाओं को वरीयता दी गई है। जिम्मेदारी यही है कि हम अपने समाज के लिए जो कमजोर तबके के लोग, उनके बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना, समाज को संगठित करना। हम आगरा शहर में जगह जगह करोना से त्रस्त लोग जो बीमारियों से ग्रसित हैं और इलाज नहीं करा पाए किसी वजह से, उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए हेल्थ चेकअप कैंप लगाने की हमारी योजना है और बाकी सभी कार्यकारिणी में मिलकर के जो लोग तय करेंगे उस पर हम कार्य करेंगे। जहाँ इस तरीके के झगड़े होते हैं, हमारी सबका ये कर्तव्य है कि हम उनको दूर करने की पूरी कोशिश करें और अपना अंजाम आगे ले जाएं। जैसा समाज हमारा तरक्की करें और हमारा जो महासभा का पिछड़ा हुआ हिस्सा पड़ा हुआ है, हम सब उसको तीनों अलीगढ़, आगरा, दिल्ली मिलाकर इसको। कमलानगर स्थित एक होटल में आयोजित सम्मान समारोह में अलीगढ़, हाथरस के अलावा कई जिलों के पदाधिकारियों को माला और शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। पदाधिकारियों का कहना था कि कार्यकारिणी में शामिल लोग अपने अपने कार्यों को जिम्मेदारी से निभाएंगे। उमेश शर्मा, सी न्यूज आगरा।